आज के लोगों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत है। लोग प्रश्न बहुत पूछते हैं और वो संत या कथाकार या मोटिवेशनल गुरु ज़्यादा फेमस हो रहे हैं जो युवाओं के प्रश्नों का जवाब देते हैं। वो प्रश्न वाकई जिज्ञासा से भरे होते हैं या प्रायोजित होते हैं ऐसे लोगों द्वारा, ये तो वही जाने। और प्रश्नकर्ता के मन में वास्तव में उसके प्रति कोई गंभीर धारणा होती है या सिर्फ अपने को हाईलाइट करने के लिए या उस तथाकथित गुरु की योजना के तहत वो ऐसी बातें करता है, ये भी वही जाने। लेकिन एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है, और आप सब जानते भी हो कि स्वामी विवेकानंद की दो शिष्याएं थीं, एक भगिनी निवेदिता जिनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबल था। भगिनी निवेदिता के बारे में हम आप सब जानते हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। एक दूसरी और भी उनकी शिष्या थी, वो थी क्रिस्टीना, जिन्हें स्वामी जी कृष्णप्रिया नाम से संबोधित करते थे। निवेदिता स्वामी जी से ढेर सारे प्रश्न पूछती थी, समाधान भी मिलते थे, पर क्रिस्टीना हमेशा मौन बैठी रहती थी, वो कोई प्रश्न नहीं करती थी। स्वामी जी ने एक बार उससे पूछा कि तुम कभी प्रश्न नहीं पूछती, क्या तुम्हारे मन में जिज्ञासाएं नहीं उठती? क्रिस्टीना बोली, माय मास्टर, क्वेश्चंस अराइज इन माय हार्ट बट दे मेल्ट बिफोर योर रेडियंस। मतलब, हे मेरे गुरुदेव, प्रश्न मेरे हृदय में उठते हैं पर वे आपकी तेजस्विता के सामने मिट जाते हैं। मुझे सभी का जवाब मौन रहकर ही मिल जाता है, यही है आदर्श शिष्य का लक्षण। इसलिए कभी अगर वास्तविक गुरु आचार और बड़े बोल रहे हों तो बीच में उनको टोकना, रोकना या प्रश्न उत्तर नहीं करना चाहिए, उनको अपनी बात कहने देना चाहिए, क्योंकि उनके के मुख से जो वाणी निकलेगी वो कदाचित आपके सभी प्रश्नों का समाधान कर दे। और रोक टोक करके जो आप बातें करोगे तो वो हो सकता है कि आप वो जो कहने जा रहे थे उसको ना कह करके आपकी प्रश्नों का ही समाधान करने में लग जाएं। आपके प्रश्न कितने गंभीर हैं, कितने सांसारिक हैं, कितने अंतस्थल से उत्पन्न हुए हैं, ये तो आप ही जानें। लेकिन ये मेरी बात शायद उनको अच्छी नहीं लगेगी कि जो ऐसे तथाकथित गुरुओं के प्रायोजक हैं, जो जानबूझ करके ऐसे प्रश्न कराते हैं, उनके उत्तर तैयार रखते हैं कि जिससे हम जगत को प्रभावित कर सकें, और वास्तव में यदि जगत का उससे हित हो, यदि वो प्रश्न सामान्य जन के हैं और उनका समाधान हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा सिर्फ समय की बर्बादी होगी। धन्यवाद।